मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, बताओ ना। और वहां पे घर के अंदर सब बंद है। नहीं क्यों बंद है भैया, ये राजनीति के इतने बड़े माहिर खिलाड़ी हैं, तो सोनिया जी को तो तुरंत आ जाना चाहिए। अरे भैया रैली अरेंज, मैं बताता हूं क्यों नहीं आ रहे हैं। इसलिए नहीं आ रहे हैं कि इनके लीडर जो छह कांग्रेस, मैंने यहां फैक्शन बताया, कोई भीड़ नहीं इकट्ठा करेगा। मंच पे छह लोग बैठेंगे ही नहीं। मंच पे ना अशोक तंवर बैठेंगे साथ में हुड्डा के, ना हुड्डा बैठेंगे सुरजेवाला के, ना सुरजेवाला बैठेंगे शैलजा के साथ, ना शैलजा बैठेगी बिसोई के साथ, ना बिसोई बैठेगा चौधरी किरण चौधरी के साथ। तो बैठेंगे नहीं तो चुनाव कहां से होगा। पहले साथ में बैठ लो भैया, फिर आंकड़े पढ़ना। जवाब क्या देंगे, छोड़िए ना जवाब। आपने चार अनुमति दे, सुनिए अनुमति, आप छोड़िए। देखिए दूसरी बात, सुनिए बिल्कुल बंधुवर, आप लोग जरूर सवाल पूछे। आज मैं लड़ाई के मूड में बिल्कुल नहीं। मैं अभी तक, आप सच बताएं सुमित जी, मैं एबीपी न्यूज ही देख रहा था, हाउडी मोदी का पूरा कार्यक्रम देखा। आज मैं लड़ाई के मूड में इसलिए नहीं हूं क्योंकि भारत एक छलांग लगा के आगे बढ़ रहा है। आप हर विषय में क्रिटिसाइज करिए, इकोनॉमी को लेकर, ऑटो सेल्स को लेकर बिल्कुल क्रिटिसाइज करिए, मगर मैं हाथ जोड़ के कहता हूं जहां देश का विषय है, आपके प्रधानमंत्री जब बाहर जाते हैं आप उनको कह रहे हैं उनको प्रचार के सिवा आता ही क्या है। क्यों राहुल गांधी को प्रचार भी नहीं आता है, इतने गए कुछ नहीं कि प्रचार भी नहीं कर सकते हैं। नहीं देखिए, मैं जवाब ले लेता हूं, आखिर में कंप्लीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, जब विश्व के लोगों से मिलते हैं पहले गले मिलते थे तो इन्होंने मजाक, राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था ये गले मिलने से क्या होता है, डिप्लोमेसी से क्या होता है। मैं आपको बताता हूं क्या होता है। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान के ऊपर, पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा था, क्योंकि मोदी सबके साथ चल रहे थे। जब हमने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया बालाकोट में, तो पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा था। राहुल गांधी कह रहे थे कि एयर स्ट्राइक नहीं किया, कल इमरान खान ने रोते हुए कहा है कि हमारे को तो बर्बाद कर दिया मोदी जी ने, बमबारी कर दी। राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं, आर्टिकल 370 हटाया तो पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा है। केवल विश्व में एक आदमी और एक पार्टी हमारे साथ खड़ी नहीं है, वो ये कांग्रेस पार्टी। Who cares about the Congress? कौन केयर करता है कांग्रेस पार्टी के भैया? देश की सबसे पुरानी पार्टी है। मुझे तो डाउट होता है कहीं पाकिस्तान में चुनाव लड़ जाए अगली बार। है देश के पे 50-55 साल शासन किया है कांग्रेस ने, ऐसा मत कहिए संबित पात्रा। गौरव भाई बिल्कुल, गौरव भाई ये जो वैसे ही रहा है, फ्रैक्शनिज्म जो है पार्टी के अंदर, जो गुटबाजी है, उसके जरूर जवाब दीजिएगा, बाकी आप जो भी कहें। बिल्कुल, 15 लाख लोग रजिस्टर्ड है, 600 को नौकरी मिली। जवाब क्या? इमरान खान, पाकिस्तान, पठानकोट। अरे जवाब दो। फिर मैंने पूछा कि मानेसर में 30,000 लोग बेरोजगार है, उसका जवाब दो। ऑटो सेक्टर की गाड़ियां या मारुति की 33% कम बिक्री है, उसका जवाब दो। पाकिस्तान जवाब नहीं देते। मैंने कहा 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश के MOU आए, कितना निवेश आया? पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। मैंने पूछा प्रियंका गांधी जी के गली गली में जो आप मकान बता रहे हैं उनके एड्रेस बताओ, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। जवाब देंगे, ये इनका जवाब। गौरव जवाब देंगे मेरे सवाल का। आखिरी पॉइंट, आखिरी बात, आपने मुझे ग्रुप का भी, आपने ग्रुपिज्म, हाँ उसी पे जानना चाह रहा हूँ। बार बार क्या छह नेता एक साथ बैठेंगे? छह नेता एक साथ बैठेंगे, एक साथ वोट मांगेंगे, चुनाव हारने के बाद बैठेंगे। हरियाणा के ऊपर कांग्रेस की सरकार बनेगी। इतने भरोसे से तो गुलाम नबी आजाद नहीं बोल पा रहे हैं। मैं जो प्रभारी है आजाद साहब के, 57 बोल रहा हूँ ना, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता बोल रहा है मेरे अंदर कि 6 के 6 बैठेंगे। और ये कुशासन है खट्टर साहब का, उसको बढ़ा के ऐसा आप चाहते हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। चाहते नहीं है, ये हो रहा है। सवाल का जवाब पाकिस्तान नहीं होता बंधु, तैयारी करके आया करो। GST 5वें नंबर आप तो कमर बाजा नंबर लगाया करो, बस चुप हो गए। गौरव अब क्या करूं, संबित पात्रा लगे, मैं माफी के साथ जवाब हिंदुस्तान है, वक्त की कमी है। वैसे बाय द वे वक्त की कमी है गौरव जी, सवाल का जवाब प्रियंका जी को भी ट्वीट कर देंगी। पाकिस्तान कोई सवाल का जवाब, गौरव प्लीज प्रियंका जी से कहिएगा ये भी ट्वीट कर देंगी जरा कल। डॉक्टर संबित पात्रा, प्रोफेसर गौरव वल्लभ, शानदार इस बहस के लिए, इस चर्चा के लिए आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। जोरदार तालियां दोस्तों, गौरव वल्लभ के लिए, संबित पात्रा के लिए। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो।